13 साल से यहाँ पर अपनी हाजिरी दे रही है, बहुत ही नेक दिल दर्शक। तो फिर से एक बार कमेटी की ओर से आप सभी को हार्दिक आमंत्रित और स्वागत करते हैं। लेकिन जो दर्शक बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर बैठे हुए हैं, उसको नम्र गुजारिश है कि थोड़ी सी जगह छोड़ दे ताकि फील्डर को फील्डिंग करने में तकलीफ ना हो। प्लीज विकेट कॉमेडी बॉक्स छोर से फिर से एक बार शॉट गेंद है और गेंद हवा में है, फील्डर गेंद के नीचे आता हुआ और एक आसान सा कैच हो सकता है वहां पर और पहले विकेट का पतन। प्रजय अपनी टीम के लिए प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में पहुंचे थे विकेट के ऊपर, लेकिन पहले ही ओवर में जयवीर की गेंदबाजी का शिकार बने। पहले विकेट का पतन हुआ है यहां पर विक्की, जिन्होंने मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर एक अच्छा कैच, आसान सा कैच लिया गया और प्रजय को पैलन में लौटा दिया है यहां पर। तो बिना खाता खोले यहां पर एक विकेट गिर चुकी है। अगले बल्लेबाज आए हैं दीप, स्ट्राइकिंग के ऊपर पहुंचेंगे। चिक्टिस जयवीर बहुत ही बड़ा नाम है और एक अच्छा स्ट्रोक खेला है वहां पर, फील्डर वहां पर मौजूद नहीं है और मेरे ख्याल से हमें 6 रन का इशारा अंपायर की ओर से। तो इनिंग की शुरुआत जो छक्कों से की है, क्या खूबसूरत स्ट्रोक था, टाइमिंग बढ़िया, टप्पा खाने के बाद बिल्कुल उछाल था, उसका फायदा उठाया और बढ़िया तरीके से बैकफुट पर शरीर का संतुलन बहुत बढ़िया था। डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ पूर्ण स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज सुदीप द्वारा, माइंडसेट बहुत अच्छा है। जैविक एक बार फिर से और गेंद हवा में जरूर है, फील्डर गेंद के नीचे आ चुके, देखना एक आसान सा कैच और पावर प्ले में हड़बड़ाहट थोड़ी सी है कणबी पटेल समाज के बल्लेबाजों में। लगातार दूसरा झटका
अश्विन ने कैच लिया एक्स्ट्रा कवर पोजीशन के ऊपर, और जब भी पारी संभले उससे पहले दूसरा झटका लग चुका है। दीप जिन्होंने आते ही एक पहली गेंद के ऊपर एक शानदार सिक्सर लगाकर अपनी टीम के लिए एक संकेत दिया था कि एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा करेंगे यहां पर, लेकिन जयवीर बहुत ही नामचीन खिलाड़ी है, 10-10 वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया था उन्होंने दुबई में, बहुत ही टेनिस का अनुभव है, जिन्होंने अपना पहले कोटे में लगातार दूसरा विकेट चटकाया है। यहां पर पहले आउट हुए थे प्रजय और दूसरे दीप, तो एक प्रकार से देखा जाए तो टीम कणबी समाज थोड़ी सी बैकफुट के ऊपर जा चुकी है, पहले ओवर में दो विकेटें गिर चुके हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो फील्डिंग करने का जो निर्णय था वो बिल्कुल सही लग रहा है यहां पर हमें, क्योंकि केवल 6 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर लगे हैं और दो अहम बल्लेबाज पाटीदार समाज के जो अहम बल्लेबाज वापस पैलेट में लौट चुके हैं, प्रजय और दीप। अच्छी गेंद थी वहां पर, रनों की कोई गुंजाइश नहीं, अभी भी रन संख्या जो है 6 के योग पर टिकी हुई है। दो खिलाड़ी के आउट होने पर निर्धारित 6 ओवर का मैच नॉकआउट राउंड, पहले दो पावर प्ले, कंपलसरी 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल करना होगा यहां पर। दो पावर प्ले में केवल दो फील्डर बाउंड्री लाइन के ऊपर, एक है मिड विकेट। और केवल एक रन मिलेगा वहां पर, हमारी कुछ जगहों के ऊपर बाउंड्री लाइन जो है निश्चित की गई है। तो पहला ओवर यहां पर समाप्त हो चुका है। पहले ओवर की समाप्ति पर रनों की बात करें तो केवल 7 रन के ऊपर दो खिलाड़ी खो चुकी है टीम टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए। कणबी पटेल समाज और मनीष जी बहुत ही बेहतरीन स्टार्ट, जिस तरह से देखे आज इनका टिप पाता बाउंसर डालने का ज्यादा इस्तेमाल, कंधों का ज्यादा इस्तेमाल करते हुए गेंदबाजी, उसकी वजह है क्योंकि पीछे डिक्लेयर क्षेत्र है, इसीलिए ज्यादा बाउंसर डालने की कोशिश गेंदबाजों द्वारा हुई। और टॉस आयर समाज ने जीता था, पहले फील्डिंग करने का फैसला तो जो लिया गया है वो बिल्कुल सही साबित किया गेंदबाज ने। पहले ओवर में आपने 2 शिकार किए और आज कणबी समाज टीम को बैकफुट पर लेके गए हैं। मोमेंटम पहले ओवर में आयर समाज के पास, और प्रेशर की बात करें तो कणबी समाज के ऊपर रहेगा। बिल्कुल सही बात प्रशांत जी आपकी, नए गेंदबाज का इस्तेमाल करेंगे कप्तान, जिसका नाम है चिराग। जहां तक चिराग का सवाल है, बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर है चिराग, जबकि स्ट्राइकन के ऊपर पहुंचे हैं बावेस बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज। देखते हैं दोनों के बीच में कसमकेस कहां तक पहुंचती है, और बेहतरीन शॉट खेला है वहां पर, और गेंद सीधी सीमा रेखा स्क्वायर लेग के बाहर, बहुत ही बड़ा छक्का। इस छक्के की बदौलत से रन संख्या छलांग लगकर भी पहुंच चुकी है 13 रन। चिराग एक बार फिर से भावेश को, और एक रन जरूर मिलेगा विकेट के पीछे डिक्लेरेशन एरिया में पहुंचती हुई। कुल रन संख्या पहुंची है 14। बेहतरीन सिक्सर लगाया मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में से, गेंद हवा को चीरती हुई, फील्डर केवल दर्शक बनकर रह गए और औपचारिक कार्य किया उन्होंने, गेंद को बाहर से लाए और पहुंचाई गेंदबाज के हाथों में। आज के इस टूर्नामेंट के मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के आज के हमारे मुख्य एम्पायर माननीय श्री प्रवीण पाटिल, शशि साटम और कल्याण घोरपड़े पिछले साल भी यहां पर तशरीफ लाए थे, जिन्होंने हम कमेटी की ओर से नवयुवक अडगाम क्रिकेट क्लब की ओर से हार्दिक आमंत्रित और आदर सत्कार करते हैं। और एक बार फिर से यहां पर चिराग की अगली गेंद राइट हैंड राउंड विकेट, बहुत अच्छी गेंद बिल्कुल बीट किया है बल्लेबाज को,
जीत पटेल लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, जिन्होंने देखा कि गेंद गुडलेन के ऊपर है, एक्स्ट्रा खोर के ऊपर प्लेसमेंट करके रन लेना चाहा, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपर नहीं आई, डॉट गेंद। और फुलटोस गेंद हवा में है, लेकिन नो मैन लैंड के ऊपर गेंद गिरती हुई और सीमा रेखा के बाहर, छह रन का इशारा। तो दूसरा छक्का, तीसरा छक्का लगा चुकी है टीम कणबी पटेल समाज, इस मरतबा लगाया है जीत पटेल ने। रन संख्या छलांग लगाती पहुंची 20 रन। मैच का दूसरा ओवर जारी है, थोड़े समय के साबित हो रहे हैं चिराग। मनीष देखे किस तरह से स्टोक खेला गया, फुल टॉस गेंद ब्रॉकर में, एक बार फिर ऑफ स्टंप के बाहर गया, एक बार फिर ब्रॉकर में जाने के जब कोशिश करते हैं, यॉर्कर डालने का प्रयास करते हैं, और जब आप फंस जाते हैं ना तो बल्लेबाज को फायदा मिलता है। फुल टॉस गेंद थी, वाइड यॉर्कर डालना चाहते थे और गेंद को खेल दिया था पॉइंट के ऊपर से, एक अच्छा स्टोक था, प्रेशर बन रहा था, प्रेशर रिलीज करने वाला शानदार छक्का बल्लेबाज जीत के बल्ले से। बिल्कुल सही बात, इन्होंने जो पहली गेंद जो डॉट थी और थोड़ा सा दबाव जरूर आया था क्योंकि 6 ओवर का मैच है, तो बिल्कुल प्रशांत जी आपने सही फरमाया, बहुत अच्छा बल्लेबाजी की उन्होंने और वहां पर अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट मानी जाएगी क्योंकि ग्राउंड जो है थोड़ा सा छोटा है, तो जो फील्डर है, जो सर्कल के फील्डर है, बहुत ही काफी नजदीक है, तो ऐसे मौके के ऊपर ऐसा सिंगल रन चुराना एक बहुत ही अच्छी तालमेल होना चाहिए और एक अच्छी रनिंग बिटवीन होना चाहिए, बिल्कुल आंखों आंखों में इशारा होना चाहिए। और एक रन चुराया और रन संख्या को पहुंचाया इस एक रन के सहयोग से 21 रन, जबकि मैच का दूसरा ओवर चिराग के रूप में जारी है। दो छक्के लग चुके ओवर द विकेट, अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, चतुरे के साथ फेंकी गई गेंद, स्लोअर डिलीवर का इस्तेमाल किया और एम्पायर गेट से लेग बाई का इशारा, तो अतिरिक्त रन खाते में जोड़ा जाएगा। तो इस प्रकार से दो ओवर की समाप्ति हो चुकी है, दो ओवर की समाप्ति के ऊपर स्कोर बोर्ड के ऊपर लगे हैं रन 22 रन। तो प्रशांत जी आप यहां मेरे ख्याल से पहली मर्तबा आए हैं, यहां का एटमोस्फेयर कैसे है और इस ग्राउंड, इस विकेट और सुबह का जो नजारा है, आउटफील्ड थोड़ा स्लो है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए पहले कितने रन यहां पर जो टीम बनाए, जो एक अच्छा सम्मानजनक स्कोर और फाइटिंग स्कोर यहां पर माना जाएगा। देखिए वैसे कोई भी टोटल सुरक्षित तो नहीं है, वो 434 भी सुरक्षित नहीं थे। अब अपने पहले ओवर में 12 गेंदों में कितने रन बनाए वो देखा जाएगा, वो पहला पड़ाव था पावर प्ले का, तो पहले पावर प्ले के पड़ाव में पहला ओवर जो था बिल्कुल गेंदबाजों का, दूसरे ओवर में चिराग महंगे साबित हुए और इस ओवर में दो छक्के आए, दो सिंगल भी आए हैं, लेकिन बल्लेबाजी की है बल्लेबाजों ने, भावेश और जीतू बीच मैदान पर है, तो आगाज देखा जाएगा तो बिल्कुल बहुत अच्छा है कणबी समाज का, दो विकेट खोने के बाद दूसरे ओवर में कमबैक किया है। अब अगर एक फाइटिंग टोटल क्या होगा ये बताना यहाँ से पहले मैच से मुश्किल है, लेकिन माहौल अच्छा है, जैसे कि बड़े स्ट्रोक आ रहे तो तालियां बज रही है और पहले मैच से पहले बॉल से दर्शक देखे कितने हैं, इतने सारे दर्शक जुड़े हुए हैं, ये शुरुआत है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे दर्शक और बढ़ने वाले हैं, माहौल बहुत अच्छा लग रहा है और मजा आएगा आने वाले एक एक मैच में, जब जब रोचकता और बढ़ने वाली है। धन्यवाद, तो फिर से एक बार अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं जयवीर, जिन्होंने पहले ओवर में दो विकेट हासिल की थी। 30 मिनट में आपको आपके जो 6 ओवर है वो कंप्लीट करना है, तो थोड़ा सा ओवर रन रेट है जिसको जल्द से जल्द आगे बढ़ाए प्लीज। जयवीर की अगली गेंद, यहां पर भावेश से बल्लेबाज, रिवर्स शॉट का प्रयास जरूर किया वहां पर, लेकिन बॉडी के ऊपर गेंद टकराई, रनों की कोई गुंजाइश नहीं, अभी भी रन संख्या जो है टिकी हुई है, तीसरे ओवर यहां पर प्रारंभ हो चुका है 22। जयवीर बहुत ही बड़ा नाम है, 10-10 स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप जो खेला गया था जिसमें हिस्सा 11 में था उनका, शॉर्ट गेंद जिसका फायदा उठा लिया है और गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर, दूसरा छक्का मेरे ख्याल से भावेश के बल्ले से निकलता हुआ और स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में से हवा को चीरती हुई गेंद निकल गई और फील्डर बने दर्शक, केवल गेंद को उठाकर पहुंचा गेंदबाज के दस्तानों में, खूबसूरत स्ट्रोक था। एक बार फिर देखे टप्पा खाने के बाद उछलता बल्लेबाज बैक फुट पर तैयार थे और गेंद को भाप लिया, पुल किया गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, शानदार छक्का। ये टाइमिंग वाला खेल है, टाइमिंग के साथ एक बार पोजीशन बहुत बढ़िया थी बल्लेबाज द्वारा। भावेश मैदान के अंदर अच्छी पारी खेल रहे अपनी टीम के लिए, 28 रन, रन संख्या बनी हुई और मेरे ख्याल से केवल एक रन मिलेगा, एक रन का इशारा अंपायर की ओर से, भावेश के खाते में एक रन जोड़ा जाएगा।
इसे के सहयोग से रन संख्या जो है पहुंच चुकी है 29। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए कणबी पटेल समाज, विकेट जरूर उन्होंने खोई है लेकिन जो रन गति जो चाहिए, टेम्पो एक चाहिए, बिल्कुल बरकरार रखा है जीत पटेल और भावेश ने। जीत येलो कैप सहायता करे ज्ञान को लाने में, हमारी जो कमेटी के जो सदस्य है जल्द से जल्द ज्ञान को पहुंचाया जाए प्लीज। सर्कल खत्म हो चुका है, कंपलसरी चार फील्डर जो है आखिरी गेंद तक होने चाहिए सर्कल के अंदर। जयवीर तीसरा ओवर लेकर आए हैं, पैवेलियन छोर से गेंदबाजी हो रही है यहां पर एक ही साइड से, जहां तक फील्डिंग की सजावट है मिड विकेट लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ एक्स्ट्रा कवर पॉइंट बाउंड्री, यह बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर तैनात किए गए हैं, जबकि सिलिमिड ऑफ सिलिमिड ऑन पॉइंट यह है सर्कल के अंदर। अगली गेंद जयवीर की, राउंड हेड ओवर विकेट, अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी, गेंद की लाइन और लंबाई को मित जीतने नहीं देखा और बिना देखे उन्होंने कोशिश की बल्ले घुमाने की, लेकिन गेंद और बल्ले का संगम हुआ नहीं वहां पर। तीसरा ओवर मैच का, अपने कोटे का दूसरा ओवर, जयवीर एक छक्का खा चुके हैं इस ओवर में लेकिन बिल्कुल नफीतुली गेंदबाजी कर रहे हैं, संतुलित है अपने दिमाग के साथ। राइट हैंड ओवर विकेट, ये गेंद अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद गुंडलेन के ऊपर, जिसके ऊपर मिड विकेट के ऊपर से खेलने का प्रयास किया, लेकिन लगातार दो गेंदें डॉट करना एक ऐसे बड़े टूर्नामेंट में बहुत ही बड़ी उपलब्धि है गेंदबाजों के लिए। और जहां तक जयवीर की बात की जाए, बहुत ही बड़ा नाम है, सुरेंद्र नगर के रहने वाले और घरेलू क्रिकेट सुरेंद्र नगर से खेलने वाले हैं जयवीर। अक्सर दुबई और इंडिया के जहां पर भी, महाराष्ट्र हो, पुणे हो, कर्नाटक हो, गुजरात हो, जितने बड़े बड़े टूर्नामेंट जो होते हैं वहां पर उसका नाम दर्जित किया जा चुका है। तो एक हमें भी बहुत ही आज गर्व की बात है कि अडगाम के इस वलसाड डिस्ट्रिक्ट के कोने में जो गांव है उसमें आज बड़े बड़े दिग्गज टेनिस के जाबाज क्रिकेटर आज यहां पर पहुंचे हैं, तो दर्शकों के लिए एक बहुत ही बड़ा उपलब्धि है, इनको देखने का मौका मिला। और 30 ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है, रन संख्या अभी भी 29 है स्कोरबोर्ड के ऊपर, दो खिलाड़ी के आउट होने पर जीत और भावेश अभी भी विकेट के ऊपर मौजूद है। इस ओवर में बहुत अच्छी गेंदबाजी की जयवीर ने, केवल 7 रन खर्च किए और मेरे ख्याल से 4 गेंदें डॉट, तो मेरे ख्याल से मेडन के बराबर मानी जाएगी। जी सबसे बड़ी बात थी, इस ओवर में सिक्सर आया था और जब जीत बल्लेबाजी कर रहे तो गेंद को देख ही नहीं रहे थे, मतलब अपने स्टार्ट स्ट्रोक जब वो खेलते गए और टिप्पा बिल्कुल 5 स्टंप के दरमियान टप्पा खाने के बाद गेंदें ऑफ स्टंप के और बाहर जा रही थी, अगेन टर्न आप खेलने का प्रयास कर रहे थे और एक शॉट वो खेलते गए, पुल करना चाहते थे, घुटना टेक तमाशा देख वाला स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लेकिन जिस तरह से वो स्ट्रोक खेले गए मेरे हिसाब से गेंद को इन्होंने रेंड नहीं किया और ताकत का ज़्यादा इस्तेमाल किया, ताकत के नहीं, यहाँ अगर देखे तो दिमाग के इस्तेमाल करना चाहिए, फुटबॉल का अच्छा होना चाहिए, शॉट सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, वो नहीं हुआ, इसलिए कमबैक करने का मौका जयवीर को मिला। छक्का आने के बाद केवल 7 रन आए, बाउंसर हुक किया, वहां में गेंद स्क्वायर लेग की तरफ, खिलाड़ी है और गेंद के नीचे, ओ ये क्या छोटा है, बल्लेबाज भावेश ने 2 छक्के जड़े हैं, जीत के बल्ले से 1 छक्का, 7 पर खेल रहे, रन संख्या अगर देखे तो टोटल बन गया कुल मिलाकर आप देख सकते हैं 31, अब रन संख्या कुल मिलाकर 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो गेंद को रीड करना बहुत जरूरी होता है। वीर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं ओवर 4 प्रगति पर, वीर रबारी जो घरेलू क्रिकेट राजकोट से खेलते हैं और आज बहुत ही बड़ा नाम है वीर रबारी का,
यहां पर पहुंचे हैं तो देखा जाए तो आहिर समाज की टीम में एक बहुत ही और जबरदस्त हिट फील्डर बने दर्शक, केवल गेंद को पहुंचाएंगे गेंदबाज के ऊपर, छक्का जड़ दिया है वहां पर। लेकिन स्ट्रोक देखें, जब इससे पहले क्या गलती की थी, अभी क्या सुधार आया। टप्पा खाने के बाद अगर देखें तो धीमी रफ्तार के साथ गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जा रही थी, इन्होंने पहुंच लिया, थोड़ा सा वक्त लिया और उसके बाद में स्ट्रोक खेल दिया था स्क्वायर लेग बाउंड्री लेग की तरफ। इससे पहले जल्दबाजी कर रहे थे, गेंद को नहीं देख रहे थे, ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे, अब टाइमिंग के ऊपर निर्भर। परिणाम आपके सामने है। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया शॉट, टाइमिंग इतनी अच्छी कि पुल शॉट खेला उन्होंने, बिल्कुल हवा को चीरती हुई गेंद फ्लैट निकल गई और इस बार एक रन जरूर मिलेगा वहां पर। वहां पर जो डिक्लेरेशन एरिया है हमारा, वहां पर गेंद पहुंची। हमारे जो स्वयं सेवक है बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, एक रन का इजाफा स्कोरिंग में, इस एक रन के सहयोग से रन संख्या जो है अब छलांग लगा दी, पहुंची 37। डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज। वीर रबारी एक बार फिर से एक छक्का खा चुके अपने इस ओवर में, शॉर्ट गेंद और चुके, मेरे ख्याल से भावेश चुके जो गेंद गति के ऊपर बीट हुए, वो क्रैम्प हुए मनीष। टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई और पोजीशन में अच्छे नहीं थे बल्लेबाज, बिल्कुल इनके सीने की तरफ गेंद आई, ये अच्छी गिनती गेंदबाज द्वारा और काबिलियत है इस गेंदबाज के पास। वीर नियंत्रण के साथ गेंदबाजी करना पसंद करते हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है, थोड़ी दिक्कत आएगी गेंदबाज के लिए, लेकिन फिलहाल अच्छी गेंदबाजी कर रहे और शॉट खेला है, देखते हैं फील्डर गेंद के अंदर और मेरे ख्याल से एक अच्छा जजमेंट कैच, अच्छा जजमेंट, अच्छी तालमेल, अच्छी सोच और दिमाग के साथ संतुलित भरा कैच माना जाएगा क्योंकि बिल्कुल करीबी मामला था। वीरन ने कैच लिया, बिल्कुल स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में कैच लिया गया है, एक अच्छा कैच माना जाएगा, तो जो एक सरदर्द बने हुए थे गेंदबाजों के लिए। और भविष्य की बात कर तो इन्होंने 11 गेंदों का सामना किया, 16 रन बनाए, बैक टू द पैवेलियन आ रहे हैं, लेकिन जब 2 विकेट गिर गए थे आज अगर देखे तो कन्वी समाज ने स्टार्ट अच्छा नहीं किया था, उसके बाद में कम बैक करने के लिए एक साझेदारी की जरूरत थी, वो साझेदारी बनाई आज बल्लेबाजों ने, एक तरफ जीत और भविष्य ने आज 16 रन बनाए 2 चौके की मदद से, अच्छी पारी जरूर रही है और जो प्रेशर बन गया था उसको रिलीज कर दिया। अब जाकर यहाँ विकेट मिला वीर को, तो बिल्कुल एक विकेट से बात नहीं बनेगी, विकेट गुच्छे में लेने की कोशिश करेंगे और दूसरी तरफ कन्वी समाज को चाहिए साझेदारी, क्योंकि आपके पास अभी भी देखिए इस ओवर के बाद 2 ओवर का खेल आना बाकी है। अभी जो रन संख्या है 37 है, इसके बाद में जो प्रशांत जी ने बताया कि केवल 2 ओवर बाकी है, विकेटों की यहां पर ज्यादा मायने नहीं रखती है, लेकिन आपके जो रन एक फाइटिंग स्कोर, मेरे ख्याल से आहिर समाज के जो गेंदबाज के जो इतने बड़े नाम है तो बल्लेबाज में भी बहुत ही सुरक्षित बल्लेबाजी है टीम के पास, तो 60-65 का जो टारगेट एक होना चाहिए मेरे ख्याल से। मैं जो मेरा अनुभव इस ग्राउंड के ऊपर और सुबह का जो पहला मैच है वो सबको विकेट को आउटफील्ड को मद्देनजर रखते हुए जो मेरा जो निर्णय है तकरीबन 65 रन अगर स्कोर बोर्ड के ऊपर आएंगे तो एक अच्छा फाइटिंग स्कोर मेरे हिसाब से माना जाएगा। प्रशांत बिल्कुल हो सकता है, जिस तरह से देखिए अभी 4 ओवर का खेल, 4 ओवर में 37 स्कोर लग चुके, लेकिन एक बात है मैं समझता हूँ विकेट का फैक्टर बहुत बड़ा है, चाहे टेस्ट क्रिकेट खेले का एक बार ओडीआई का क्रिकेट खेले या एक बार फिर लिमिटेड ओवर का मैच आप खेले, क्योंकि सेट बल्लेबाज आपके डगआउट की तरफ चले गए हैं, यहाँ से आपके जो नए बल्लेबाज हैं इनका माइंडसेट क्या होगा वो देखा जाएगा, किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे, किस तरह से फिनिश करेंगे, क्योंकि आप आगाज से नहीं अंजाम से पहचाने जाते, चाहे गेंदबाज हो बल्लेबाज, आप फिनिश किस तरह से करेंगे और आपके पास मोमेंटम आप कितना बरकरार रखेंगे उसके ऊपर ये मुकाबला है। बिल्कुल सही बात, बहुत ही बड़ा मुकाबला है और चुनौती है बल्लेबाजों के लिए आने वाली 12 गेंदों के ऊपर। अश्विन गढ़वी अहमदाबाद से है, बहुत बड़ा नाम है अश्विन गढ़वी का, जो अक्सर महाराष्ट्र में टेनिस क्रिकेट खेलते हैं, 10-10 स्पोर्ट्स हो, दुबई में हो, कर्नाटक में हो, केरला में हो, और गेंद को पहुंचाया है सीमा के बाहर, सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया है
और 6 रन का इशारा अंपायर की ओर से, बहुत ही बड़ी छलांग लगाई लेकिन गेंद को नहीं रोक पाए और इस छक्के की बदौलत से रन संख्या जो है छलांग लगाती हुई पहुंच चुकी है अभी 44। मनीष जी स्ट्रोक देखिए क्या जबरदस्त स्ट्रोक था, घुटना टेका था लेकिन प्रणाम के लिए परिणाम के लिए बल्ले के बीचों बीच डीप मिड विकेट बाउंड्री के तरफ, यह इनका पसंदीदा स्ट्रोक है। दो बार कोशिश की कामयाबी नहीं मिली लेकिन इस पक्ष स्ट्रोक अच्छा था, क्या जबरदस्त स्ट्रोक और टाइमिंग के साथ खेलते हुए बल्लेबाज जीत। और इस बीच 1 रन लेने में कामयाब जीत। अभी नए बल्लेबाज जो आए हैं उसको मौका नहीं है अमित को सेट होने का, रन गति को यहां से उठानी होगी। जीत ने एक सिक्सर लगाकर आगाज तो संकेत तो दे चुके हैं, अभी नफीतुली गेंदबाजी की बहुत जरूरत है क्योंकि बल्लेबाज हैवी हो गए, हर गेंद के ऊपर हैवी हो गए और जोरदार प्रहार करना चाहेंगे कि रन गति को किसी भी हाल हो, किसी भी तरह की गेंद हो, सीमा रेखा के बाहर पहुंचाने की कोशिश जरूर करेंगे। और उसी के बीच मुकाबला थोड़ा रोमांचक होता हुआ जा रहा है तो दर्शक को नंबर गुजारिश है कि पिछली गेंद के ऊपर हमें थोड़ी सी दिक्कत आई ऐसा कैमरे में नजर आया है, जो फील्डर को थोड़ी सी दिक्कत जरूर आई थी इस गेंद को रोकने में। तो जो भी दर्शक है बाउंड्री लाइन के ऊपर टच और सच लगोलग बैठे हैं, कमेटी की ओर से महानुभाव की ओर से नंबर गुजारिश है कि अपनी पोजीशन थोड़ी सी बाहर बना के रखें प्लीज, ताकि किसी भी फील्डर को दिक्कत ना आए। अमित के ऊपर अच्छी गेंद, डॉट गेंद और बहुत ही जबरदस्त, अश्विन गढ़वी की तारीफ की जाए उतनी कम है, डॉट गेंद अमित के ऊपर। बहुत ही तेज गेंद, बहुत तेज गेंद, अष्टम के ऊपर टप्पा खाया और थोड़ी सी गेंद को कट कराया, तकरीबन 140 माइल पर आवर की नापी गई गेंद को, बहुत ही तेज गेंद थी अश्विन गढ़वी की, अच्छी गेंद थी, बिल्कुल बिल्कुल ब्लॉक होल के अंदर, जो स्लॉग ओवर में जो अक्सर तेज गेंदबाज जो करते हैं, बहुत ही अच्छी ओवर, बहुत अच्छी ओवर मानी जाएगी। इन्होंने अपने इस ओवर में केवल 8 रन खर्च किए, केवल 8 रन खर्च किए और रन संख्या जो है स्कोरबोर्ड के ऊपर लगी चुकी है 46। राजपूत समाज और माहिया वंशी समाज टीम के कप्तान को मैं विनती कर रहा हूं, दरख्वास्त कर रहा हूं, अगले मैच के लिए तैयार है, टॉस होने वाला है। राजपूत समाज और माहिया वंशी समाज टीम के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा टॉस के लिए तैयार है। 5 ओवर का खेल, 43 विकेट के नुकसान पर। और मनीष जी अच्छी चीज़ मैं आपको बताना चाहूंगा, कितनी भी बड़ी टूर्नामेंट हो अगर दर्शक ना हो तो मज़ा नहीं आता। पहले बॉल से दर्शक आप देखे, दर्शक दीर्घा में दर्शकों की संख्या बहुत है और जब अच्छे स्ट्रोक आ रहे तो तालियां बज रही है, दोनों तरफ से विकेट आ रहे तो तालियां बज रही है, इलेक्ट्रीफाइड माहौल बहुत पहली गेंद से अगर देखे तो बहुत अच्छा माहौल यहाँ बना हुआ है। बिल्कुल सही बात, और स्ट्रोक खेला है, वन बाउंस पकड़ने का प्रयास करेंगे लेकिन मिस हो गए, गेंद वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर, 4 रन, क्योंकि अभी धीरे धीरे जो आउटफील्ड है सूखा हुआ जा रहा है, जो सुबह की जो ओस थी बिल्कुल साफ हो रही है तो आउटफील्ड जो है थोड़ा सा तेज हो चुका है। जो प्रशांत जी आपने जो बात बताई है अभी अभी दर्शकों के बारे में, तो हमारे दर्शक जो है बहुत ही लोकप्रिय है और जहां जहां टेनिस मुकाबला हो बिल्कुल भीड़ जमाते हैं वो लोग, और भी बिल्कुल शांत सरल स्वभाव के है। रनआउट का खतरा लेकिन बैकअप नहीं था विकेट के ऊपर, 1 रन चुराया ओवर थ्रो के जरिए, अतिरिक्त रन में ओवर थ्रो 1 रन जोड़ा जाएगा, रन संख्या पहुंचे 1 रन के सहयोग से 51, 50 का आंकड़ा पार करते हुए 51। अगर फाइनल मुकाबले की बात की जाए तो यहां पर इतनी दर्शकों की भीड़ जमा हो जाएगी कि जो जगह खाली बची हुई है वो खींचो खींच भर जाएगी और पीछे के जो दर्शक रहेंगे उसको बहुत ही कठिनाई होगी इस मुकाबला देखने के लिए। तो तकरीबन 25,000 से 30,000 के बीच में यहां पर जो तमाशाइयों की भीड़ है बिल्कुल यहां पर हो जाएगी। इस बीच अगली गेंद, बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, करीबी मामला हो सकता था, बाल बाल बचे बाय के जरिए 1 रन,
बिल्कुल इस वक्त अगर देखें तो बल्लेबाज जीत के जो पानी है उसके ऊपर बहुत सारी चर्चा हो सकती है मैदान के अंदर। अब बल्लेबाज ही करते हैं बल्लेबाज जीत जो आगे वाली गेंद को जब आगे गेंद आती है तो थोड़ा परेशान होते हैं, बैकपोर्ट पर अच्छा खेलते हैं, थोड़ा इंतजार कर रहे थे और मरीश लेट हुए, ये स्ट्रोक खेलने के लेट हुए क्योंकि इसको थोड़ा सा आगे खेलते तो बिल्कुल गेंद बल्ले के ऊपर आती। लेकिन दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि टप्पा खाने के बाद गेंद ऊपर नहीं आई, उछाल नहीं मिला, सब मरीन डिलीवर थी, अच्छी गेंद थी गेंदबाज द्वारा। बल्लेबाज कभी कभी प्रशांत जी क्या करते हैं कि ज्यादातर ऑन साइड के ऊपर अपनी पोजीशन बना के रखते हैं, अपना माइंड सेट होता है कि इसको मैं मिड विकेट के ऊपर से ही बीच में जाकर खेलूंगा। लेकिन गेंदबाज अगर चतुराई के साथ अगर ब्लॉक होल के अंदर डाले तो उसके लिए हेलीकॉप्टर शॉट जो है अभी जो, और ये अच्छी गैप ढूंढी वहां पर जीत ने और सीमा रेखा के बाहर गेंद को पहुंचाया और निश्चित रूप से 4 रन मिलेंगे वहां पर। और इस चौके की मदद से रन संख्या जो है अब पहुंच चुकी है 56 और आगे आगे जब खेल बढ़ेगा तो जो टेनिस के जो महारथी है जो दिग्गज बल्लेबाज है वो अपना कौशल यहां पर बिखेरेंगे और जो नए नए जो शॉट है हेलीकॉप्टर शॉट है यहां पर जो ज्यादा करके रिवर्स शॉट जो है उसका इस्तेमाल ज्यादातर आपको नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि जो स्क्वायर लेग जो बाउंड्री है लेफ्टी और राइटी के लिए जो निश्चित की गई है तो वो स्ट्रोक ज्यादा करके इस्तेमाल नहीं होगा यहां पर। इस बीच अगली गेंद जीत को, अच्छी गेंद थी ब्लॉक होल के ऊपर थी, पोजीशन बनाई घुटनों के ऊपर टेके और वहां पर दूसरे रन के लिए दौड़े है और मेरे ख्याल से और एक रन डिक्लेरेशन होगा। मनीष जी आवाज सुनिए, तालियों की जो आवाज आ रही है ना बहुत मधुर लग रही है, मजा आ रहा है, रन तो बन रहे बहुत सारे, ऐसा नहीं कि एक टीम से हो रहा है, जब सामने से उनका जो डगआउट है खास करके इस वक्त कनबी समाज का डगआउट या आयरी समाज का डगआउट दोनों तरफ से जब जब अच्छा प्रदर्शन किया खिलाड़ियों ने तब तालियां बज रहे हैं, तो ये अच्छे संकेत है। ये सुबह के सत्र का पहला मैच जिसमें जीत का बल्ला बोल रहा है, अच्छी पारी वो अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं, निर्णायक ओवर का खेल है जिसमें दबाव बनाने की कोशिश बल्लेबाज गेंदबाज के ऊपर कर रहे हैं, बैटल है मैदान के अंदर, गेंद और बल्ले के बीच एक अच्छी जंग देखने का मौका दर्शकों को मिलता हुआ। तो दर्शक जो यहां पर देरी से उनको मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि जो मेरे जो मुख्य कमेंटर है जिसकी आवाज आप तक जो पहुंच रही है वो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के कमेंटर है, बहुत ही बड़ा नाम है, उसका नाम फिर से एक बार मैं बताना चाहूंगा। हाँ जो अवशेष नहीं है तो सभी टीम के जो क्रिकेटर आए हैं यहां पर, सर आंखों के ऊपर अंपायर जी का इशारा, न्यूट्रल एम्पायर है उसका जो भी निर्णय होगा सर आंखों के ऊपर लेके मानिए, न्यूट्रल एम्पायर है, किसी भी प्रकार का यहां पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आखिरी दौर पहले चरण का यानी कि पहली लीग मैच यहां पर चल रही है, पहले 8 ओवर का अंतिम ओवर यहां पर है, माफ कीजिए 6 ओवर है यहां पर और वन बाउंस वहां पर फील्डर तैनात नहीं था, दूर दूर से जो सही मिड विकेट होनी चाहिए उसके ऊपर फील्डर नहीं था वहां पर, और इस चौके की बदौलत से 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और रन संख्या स्कोर बोर्ड पर लगाई है। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए कणबी पटेल समाज ने 63, तो कुल मिलाकर जो मेरा जो टारगेट था 65 उसमें 2 रन थोड़े से कम आए हैं, तो अच्छी गेंदबाजी टीम में वापस मैच में वापस रख सकती है। प्रशांत जी मनीष सर अगले मैच की तरफ रुख करते हैं, रजपूत समाज और माया मुंशी समाज ये जो बड़ा मुकाबला है उसके ऊपर चर्चा भी करेंगे और टॉस होना चाहिए क्योंकि इनिंग ब्रेक हुआ है और कुंभी समाज ने अच्छा टोटल बनाया है, बिल्कुल अगर 60 के ऊपर का टोटल तो बिल्कुल अच्छा टोटल है। अब डिपेंड करने के पास उनके जो गेंदबाज है अपनी क्षमता के अनुसार गेंदबाजी करेंगे और खास करके डिक्लेयर क्षेत्र को देखते हुए अपने गेंदबाजी में अच्छा वेरिएशन करेंगे तो परेशानियां हो सकती है आज आयुर समाज टीम के लिए, तो इसके ऊपर और चर्चा होगी। लेकिन पहले मैं जाऊँगा रजपूत समाज मैया वंशी समाज टीम के कप्तान, आइए टॉस के लिए, टॉस होना बहुत जरूरी, इनिंग ब्रेक और आज शुरुआत हुई थी 10:17 में, पहली पारी की बात करें तो बिल्कुल 10:48 पर पहली पारी समाप्त हुई है, 30 मिनट का समय आपको दिया गया है, एक एक मिनट मायने रखता है क्योंकि 8 टीमें हैं, 7 मैचेस खिलाए जाएंगे।
हटग्राम युवक क्रिकेट क्लब प्रेजेंट अंतर समाज टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट 2023। ये 13 साल आदर्श ग्राउंड पर एक बहुत ही बेहतरीन मुकाबला, शानदार आयोजन। राजपूत समाज, माहिया मुंशी समाज, दोनों टीमों के कप्तानों को मैं विनती कर रहा हूं टॉस के लिए रेडी रहे। टॉस अपने समय के ऊपर होना बहुत ही जरूर है, क्योंकि जैसे प्रशांत सर ने बताया उस तरह से वक्त की हमें बहुत ही बहुमूल्य है। आज का वक्त एक एक मिनट हमारे लिए कीमती है। अगर हम 5 बजे के आसपास अगर फाइनल मुकाबला यहां पर शुरू कर सके तो बहुत ही अच्छा मुकाबला होगा। अगर अच्छी हमारे पास सूर्य का प्रकाश रहेगा तो हम जो 6 ओवर का मैच है उसमें शायद तब्दील भी कर सके, 8 ओवर का भी कर सके, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जल्द से जल्द मैं अंपायर महोदय को बताना चाहूंगा कि जो फील्डिंग है जल्द से जल्द सजावट की जाए प्लीज। आहिर समाज के बल्लेबाजों को नमक गुजारिश है कि अपनी प्रारंभिक जोड़ी को जल्द से जल्द विकेट के ऊपर उतारे, और कमेटी को गुजारिश है कि इसके बाद का जो मैच है माहिया उनसे समाज और राजपूत समाज के बीच में जल्द से जल्द टॉस किया जाए प्लीज। राजपूत समाज के कप्तान और माहिया वंशी समाज के कप्तान टॉस के लिए जुड़े प्लीज। टॉस होना बहुत जरूरी है क्योंकि इनिंग ब्रेक हुआ है, इनिंग ब्रेक में टॉस होगा तो बिल्कुल आपके पास ऊपर कैमरा भी आएगा, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत मायने रखती है। मनीष शुक्रिया, पहली बारी में बिल्कुल मनीष की आवाज आपने सुनी है, बहुत मीठी आवाज। मनीष जी आपका स्वागत है, और उसके साथ अगर देखें तो आज प्रतियोगिता का जो पहला मैच है कुनबी समाज बनाम आयल समाज, जिसमें कुनबी समाज ने बल्लेबाजी करते हुए 65 रन बनाए, 63 रनों का लक्ष्य रखा है आयल समाज के सामने। फील्डिंग को अलंकृत कीजिए कुनबी समाज। समय ज्यादा नहीं ले, बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। और प्रशांत जी जहां तक ये जो टूर्नामेंट का सवाल है, अंतर समाज जो अलग अलग समाज ने का जो जुड़ने का काम ये टूर्नामेंट बनाने का जो श्रेय है, जो अड़गाम इसी इलाके के आसपास का जो एक गांव है तकरीबन 2 किलोमीटर सेगवा क्रिकेट क्लब, जहां से इस टूर्नामेंट की शुरुआत की और वहां पर लगातार 27 साल इस टूर्नामेंट लगातार खेलते हुए आ रहा है। और जिसमें अगर विनर टीम की बात की जाए तो सबसे ज्यादा कोड़ी पटेल समाज ने इस मुकाबले को अपने नाम किया है। और आगे जाकर ये जो टूर्नामेंट है हमारे गुजरात में जब भी क्रिकेट की शुरुआत होती है तो ये जो टूर्नामेंट है अव्वल नंबर के ऊपर रहता है। प्रशांत जी, मैं कनबी समाज टीम के खिलाड़ियों के लिए विनती कर रहा हूँ, चर्चा बहुत ज्यादा हो गई है, इतनी चर्चा ना करें, चलिए प्लीज बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। और वक्त की बात करो तो इस वक्त समय देखे 10:52 का समय हो गया है, बल्लेबाज तैयार है तो मैच को ना रोके, फील्डिंग को अलंकृत करना बहुत जरूरी रहेगा। कनबी समाज बनाम आयरी समाज जीतने के लिए 63 रनों की जरूरत है। प्रारंभिक जोड़ी बीच मैदान पर आप देख सकते हैं इस वक्त पृथ्वीराज और राकेश जॉन्टी गेंदबाजी के बागडोर समय रख रहे, गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार हो रहे। पहली पारी आपने देखी है, पहली पारी में जीत ने शानदार बल्लेबाजी की। मवेशी समाज आपके लिए आखिरी कॉल है, टॉस के लिए आइए प्लीज। माहियों से समाज के कप्तान हमारे बीच से यहां से मोंटू मयंक मेहंदीवाला यहां से गुजर रहे हैं, बहुत ही तहदिल से शुक्रिया और शुभकामनाएं मैच के लिए, बेस्ट ऑफ लक। पृथ्वीराज आज इस ग्राउंड के ऊपर किस तरह से राज करते हैं आने वाले वक्त के ऊपर है, बहुत ही बड़ा नाम है पृथ्वीराज का, जो नवी मुंबई से टेनिस की शुरुआत उन्होंने की है और दुबई से लेकर जो जहां जहां अपने इंडिया के बाहर जो मैचेस होते हैं एक अपना नाम का डंगा बजा चुके हैं, बहुत ही बड़ा नाम है पृथ्वीराज। और दर्शक के लिए मैं बता दूं कि ऐसे क्रिकेटर को देखना एक आपके लिए बहुत ही बड़ा मौका है, बहुत ही बड़ा लाभा है। टेनिस जिन्होंने इस मकाम तक पहुंचाया है जिसमें उसका नाम, उस दिग्गजों का नाम जरूर लिया जाएगा, आज सीजन के बरोबरी के ऊपर पहुंच चुका है टेनिस क्रिकेट। प्रशांत जी मुंबई में क्या हलचल है टेनिस क्रिकेट की इस वक्त? अगर देखे तो हवा में उछाला, गेंद के नीचे खिलाड़ी आ रहे, मिडॉन पर खिलाड़ी है, लिया कैच, मिडॉन पर खिलाड़ी, गेंद के नीचे, पृथ्वीराज की पारी समाप्त, पहले विकेट के पते गोंद, सफलता मिली है जीत को, सेलिब्रेशन करने का मौका मिलता है कनबी समाज को, क्या बात है, शुरुआत बढ़िया।
अंडरग्राम युवक क्रिकेट क्लब प्रेजेंट अंतर समाज टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट 2023। अब देखिए क्या हुआ था मैदान के अंदर। प्रशांत, एक मेरा जो सुझाव है, जो बहुत दूर से जो बल्लेबाज आते हैं, बहुत ही नामचीन बल्लेबाज, मेरे ख्याल से उसको ये इधर का जो इस माहौल है, जो विकेट है, उसका ज्यादातर अनुभव रहता नहीं है, तो मेरे ख्याल से एक दो गेंद शायद वो बल्ले के ऊपर ले और संभर कर खेले, उसके बाद में जो अपने अंदाज के ऊपर आ जाए, तो मेरे ख्याल से उसके लिए एक अच्छी रणनीति मेरे ख्याल से मानी जाएगी। लेकिन आजकल इस तरह का माइंडसेट नहीं होता है टेनिस क्रिकेट में खास करके, क्योंकि आपके दिमाग में वो चौके छक्के बिल्कुल पीट बैठे हुए हैं, सिंगल डबल। अब देखिए एक गेंद छः बनते हैं, छः गेंदों में चार नहीं बनती, वो परेशानी टेनिस क्रिकेट की है। क्योंकि आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि स्ट्राइक रोटेट कीजिए, सिंगल लीजिए, लाइफ लाइन को आप ना भूलें, लेकिन बल्लेबाज को कौन बताएगा? बल्लेबाज तो बिल्कुल तिरसठ आपके दिमाग में है, आपके जहन में है, तो पावर पे चल रहा है, तो दिमाग में चौका छक्का है, और इसीलिए देखिए पृथ्वीराज का विकेट जल्दी गिर गया और अच्छी गेंदबाजी जीत दौरा, जैसे कि बल्ला बोला उसी तरह से अच्छी गेंदबाजी करे। नंबर तीन पर बल्लेबाज विकी, दबाव रहेगा इस वक्त आर्य समाज के ऊपर, पहली गेंद पर सफलता मिली है कर्मी समाज को, तो उनका कॉन्फिडेंस आगे बढ़ेगा, बिल्कुल बहुत ऊपर का रहेगा। फील्डिंग की जमावट्टी के पॉइंट कवर, एक एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी, मिड ऑफ पर खिलाड़ी है, इस वक्त स्लिप में कोई नहीं है, थर्ड मैन और फाइनल का क्षेत्र डिक्ल क्षेत्र है, ऑनसर पर देख सकते हैं इस वक्त एक मैडॉन, उसके साथ डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात, प्रमुख गेंदबाज के तौर पर जीत। टप्पा खाने के बाद अगर देखे तो गेंद लेफ्ट के ऊपर है और बढ़िया गेंदबाजी, टिप्पा खाने के बाद घुमाव मिल रहा है, पहली गेंद पर भी बिल्कुल क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया गया था जीत द्वारा, एंगल क्रिएट किया गया था और उसका फायदा उनको मिला। पृथ्वीराज का बेशकीमती विकेट, नंबर तीन पर आप विकी को देख रहे हैं, रन संख्या अभी भी बल्लेबाजों को खाता खोलना है, अच्छी गेंदबाजी जीत द्वारा। इस वक्त मिड ऑन के ऊपर से गेंद को खेल दिया, गेंद जाती बॉडी की तरफ, चार रनों के लिए मिला मौका और जड़ दिया शानदार चौका। सर एक प्रमुख गेंदबाज के तौर पर जीत तैयार है और बहुत अच्छा स्ट्रोक था बल्लेबाज विकी का, रन संख्या फिलहाल चार रन एक विकेट के नुकसान पर। ये गेंद लेग स्टंप की तरफ है, कल्याण गोरपड़े हमारी तरफ बढ़ रहे हैं वाइड बॉल का इशारा करते हुए, मिस्टर रेस्ता से रन संख्या पांच रन। कनबी समाज और आई समाज के बीच आज के दिन का भी टकरा मुकाबला, संघर्षपूर्ण मुकाबला आप देख रहे हैं। अटग्राम युवक क्रिकेट क्लब प्रेजेंट अंतर समाज टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट प्रतियोगिता का आज का ये शुभ का सत्र, 10:17 पर आपने यह मुकाबला शुरू होते हुए देखा है। टप्पा खाने के बाद उछालता बाउंसर डालने का प्रयास किया गया था और अंपायर बिल्कुल इस वक्त हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, सर के ऊपर से गेंद जा रही है, वाइट बॉल का इशारा, बाउंसर अब डालना चाहते हैं, बिल्कुल डालेंगे क्योंकि फाइन लेग और थर्ड मैन का क्षेत्र जो है वह डिक्लेयर क्षेत्र है, तो बाउंसर का इस्तेमाल होगा लेकिन सही तरीके से होना चाहिए, ज्यादा सर के ऊपर से गेंद जाएंगे तो वाइट बॉल का इशारा हो सकता है। प्रमुख गेंदबाज के ऊपर जीत गेंदबाजी कर रहे हैं, स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए, विकी ऑन स्ट्राइक जो चार पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहते थे लेकिन खड़े खड़े खेलने की कोशिश। ओवर की बात कर तो पहले ओवर का खेल है, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज, एक अच्छा स्ट्रोक खेला गया था बल्लेबाज विकी द्वारा लेकिन उसके बाद में कमबैक कर रहे हैं, रन संख्या छह रन एक विकेट के नुकसान पर। विकी चार पर खेल रहे, जॉन्टी ने अपना खाता नहीं खोला है, प्रमुख गेंदबाज ऑलराउंडर खिलाड़ी बजीत गेंदबाजी कर रहे हैं। अंतर समाज टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट ये 13वां साल आदर्श ग्राउंड पर बिल्कुल आज देखे जीत की जो बल्लेबाजी पहले पारी में बहुत ही बढ़िया रही है, ओ ज्यादा तारीफ हुई, ज्यादा तारीफ हुई। टप्पा खाने के बाद लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, वाइड बॉल का इशारा, कभी कभार क्या करते आप ज्यादा एफर्ट डालते, ज्यादा एफर्ट डालने की कोशिश और मिडिल लेग स्टंप पर एक बार फिर गेंदबाजी करने का प्रयास, मतलब क्रैम करना चाहते थे लेकिन नियंत्रण नहीं था। टप्पा खाने के बाद गेंद लेग स्टंप के बाहर जाती हुई, वाइड बॉल का इशारा, रन संख्या सात रन एक विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर का खेल आप देख रहे हैं, कनबी समाज के प्रमुख गेंदबाज जीत गेंदबाजी करते हुए, ये ज्यादा कुछ करने का जो प्रयास किया गया, ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद, वाइड बॉल का इशारा, दोबारा कंट्रोल नहीं है, कल्याण घोरपड़े दो बार वाइड बॉल का इशारा कर चुका। इस ओवर की बात करें तो शुरुआत आपने देखी तो विकेट के साथ हुई, उसके बाद में एक बिंदी गेंद चौका, उसके बाद में बिल्कुल यहां और एक बिंदी गेंद, अभी वाइड बॉल लगातार दो वाइड बॉल भी आए हैं, तो एक कुल मिलाकर चार वाइड बॉल, एक बिल्कुल सर के ऊपर से गेंद चली गई थी और एक वाइड बॉल,
शुरुआत देखी विकेट से हुई थी, उसके बाद में ये तालियों की आवाज देखी, तालियों की आवाज, जैसे कि मैंने कहा कि पहली पारी जब चल रही थी तो कनबी समाज के जो समर्थक वो तालियां बजा रहे थे, अभी फिलहाल आप देखते आई समाज के समर्थक वो तालियां बजा रहे हैं। तो मतलब ये 11 से नहीं आए, कम से कम वो आपके अपने पास जो और बाहर खिलाड़ी लेके आए हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, अच्छी गेंद आउट, कौन तालियां का एक बार फिर देखे कहां से बज रही है, कनबी समाज की तरफ से तालियां बज रही है। अब आई समाज में सन्नाटा होगा, कोई आवाज नहीं है। क्या गेंद थी ये, गेंद देखिए क्रिस के कोने का इस्तेमाल किया, लेंद बहुत अच्छी थी, टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई और सीधी ऑफ टंप के ऊपर टकराती हुई, एक्शन रिप्ले, 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर। कनबी समाज और आई समाज के बीच एक तगड़ा मुकाबला, हमारे साथ मरीज जुड़ेंगे पहले ओवर का खेल, और पहले ओवर में 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और जिस तरह से 5 गेंदों का जो खेल हुआ है, 5 गेंदों में 2 विकेट चटकाए हैं गेंदबाज आज, बढ़िया तरीके से गेंदबाजी करते जीत द्वारा। बिल्कुल सही बात, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हुई है, थोड़ी सी जो उसका जो लाइन लेंथ होनी चाहिए थी उसमें से थोड़ा मार खाई है उन्होंने, वाइट जो इतनी वाइट नहीं होनी चाहिए थी वो हो चुकी है, अतिरिक्त रन जा चुके हैं, लेकिन मैच अभी भी बराबरी के ऊपर है। जो बल्लेबाजों के जहन में है 64 रन का जो टारगेट है वो उसको किसी भी तरह से मुकम्मल किया जाए, और जो गेंदबाजों की है कोशिश यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा विकेट लेने का प्रयास ना करें, लेकिन डॉट गेंद जो है वो बिल्कुल बरकरार रखें, और खराब गेंद के ऊपर जो लंबी हिट जो लगा चुके लगाते हैं बल्लेबाज उससे रोका जाए। मनीष जी एक बार फिर परेशानी गेंदबाज के लिए ये नहीं कि रन बल्ले से आ रहे हैं, रन बल्ले से वैसे केवल 4 ही आए, लेकिन मिस्टर एस्ट्रा है ना वो खलबली मचा रहे, मिस्टर एस्ट्रा से थोड़ा परेशान है जीत। आखिरी गेंद शेष, नए बल्लेबाज दीपेश और एक तरफ बल्लेबाज राकेश, बड़े मियां छोटे मियां बीच मैदान पर, प्रमुख गेंदबाज के तौर पर जीत गेंदबाजी करेंगे। अब पूरा दारोमदार रहेगा दीपेश के ऊपर, 2 विकेट खोने के बाद रन संख्या 9 रन, प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छा स्ट्रोक बल्ले के बीचों बीच टाइमिंग बढ़िया, गेंद जाएगी बॉलिंग की तरफ और इनको दिखती है छोटी सी दरार, रन ढूंढते 4, गेंद बॉलिंग तरफ फरार, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार, क्या दर्शनीय स्ट्रोक था ये। एक्शन रिप्ले देखिए स्ट्रोक का, बहुत बढ़िया तरीके से अच्छी बल्लेबाजी, नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए दीपेश, आगे गेंद थी थोड़ा पीछे हट गए और बढ़िया तरीके से बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए गैप ढूंढा, टाइमिंग बढ़ गया, दर्शनीय स्ट्रोक बल्लेबाज दीपेश का, पहले ओवर का खेल, रन संख्या 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जो प्रशांत इसमें जो बल्लेबाज ने जो आखिरी वक्त में जो निर्णय लिया और जो जगह बनाई, जो हालांकि अक्सर फुटवर्क का जो इस्तेमाल है आगे होता है, इन्होंने अपना पैर एक पैर जो नीचे पीछे की तरफ निकाला और क्या एक्स्ट्रा कवर ड्राइव लगा, बिल्कुल आज जो चौका लगा उसमें अच्छे स्ट्रोक में उसकी गिनती जरूर की जाएगी। आज के दिन का सबसे खूबसूरत कवर ड्राइव था यह बल्लेबाज का, हालांकि बिल्कुल आपने सही कहा वो कवर ड्राइव आगे खेला जाता है, थोड़ा पीछे हटकर खेल दिया था बल्लेबाज दीपेश ने। पहले इनिंग के जो बात करें तो 63 रनों का जो लक्ष्य रखा है खास करके इस पर कुर्बी समाज टीम ने, और जीत की जो बल्लेबाजी बहुत बढ़िया रही है, अच्छी गेंदबाजी कर रही थी, लेकिन आखिर गेंद पर चौका आने के बाद प्रेशर अब ने गेंदबाज के ऊपर आएगा। आफ्टर 1 ओवर नाउ स्कोर 13 loss of 2 विकेट, आर्य समाज गेंदबाजी में परिवर्तन, तेजस गेंदबाजी करने के तैयार, नेक्स्ट टाइम के बाहर गेंद, ये छठवां मिस्टर एस्ट्रा है, अभी तक अगर देखें तो 5 गेंदें बाइट डाली थी जीत ने, अब चक्कर गेंदबाजी करने गेंदबाज तेजस आए हैं, पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉल का इशारा, इस ऊपर के अगली गेंद गेंदबाजी करने के गेंदबाज तेजस, अच्छी गेंद थी बहुत बढ़िया गेंद, टप्पा खाने के बाद उछाल था, और लेफ्ट हैंडर के लिए खासियत है कि वो टप्पा खाने के बाद इनकी गेंद बिल्कुल घुमाव लेती है, घूमती है, ये गेंद तो ऐसी थी कि जिसमें बल्लेबाज कुछ नहीं कर पाए, बैकफुट पर लेके चले गए थे, बढ़िया गेंदबाजी तेजस द्वारा, स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाजी करने के तैयार राकेश जॉन्टी, फुल टॉस गेंद, कवर की तरफ गेंद को खेलते हुए खिलाड़ी है इस पर बाउंड्री लाइन पर कवर पॉइंट पर, जब तक कि गेंद को फील करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया है, मिरन ने गेंद को फील किया था बाउंड्री लाइन पर, स्कोर की बात करें तो 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर, करंट रन रेट 11.25 का है, रिक्वायर्ड रन रेट 10.50 का, तो जीतने के लक्ष्य की बात करें तो 63 रनों का लक्ष्य है,
तेजस अपनी बोलिंग मार्ग पर तैयार, स्ट्राइकर पर बल्लेबाज दीपेश चाक पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अच्छा स्ट्रोक कवर के ऊपर से बहुत खूबसूरती के साथ खेलते हुए 1 2 3 4 वन टू का फोर करती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन, ब्यूटीफुल बैटिंग बाय दीपेश। ऑफ साइड पर बेहतरीन बल्लेबाजी, एक्शन रिप्ले देखे इस गेंद का, स्टंप के करीब से गेंदबाजी और थोड़ा पीछे हटकर खेल रहे बढ़िया तरीके से बल्ले के बीचों बीच। पहले अलंद कार्पेट गेंद को खेल दिया था, अभी देखे इनफील्ड के ऊपर से मैग्निफिसेंट बैटिंग। द स्कोर मूव्स ऑन 19 पर लॉस ऑफ 2 विकेट, जीतने के लिए 63 रनों की जरूरत है। पावर प्ले का दूसरा ओवर, पॉइंट कवर उसके साथ अगर देखे तो एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ पर खिलाड़ी है, टीप एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर रखा हुआ है, खास करके जो कवर ड्राइव आ रहा है उसको टैकल करने के लिए, उसको रोकने के लिए। अब हम अगेन खिलाड़ी है, एक तेरी एक मेरी, बल्लेबाज दीपेश की पारी समाप्त हुई है। शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा बीच मैदान पर हो रहा है, बैटल बैटल है ये। अंकुर ने लिया अच्छा कैच, मैदान पर कोई गलती नहीं है। स्कोर की बात करें तो 19-3 विकेट के नुकसान पर आयरिश समाज, विकेट बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। 63 रन आप डिपेंड करना चाहते हैं। स्टंप के करीब से गेंदबाजी, टप्पा खाने के बाद अगर देखे सीधी गेंद थी, बैकफुट हो जाके गेंद को खेलना चाहते थे, बैकलिप का ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ, फ्लैट गेंद आई और कहां गलती करने वाले खिलाड़ी मैदान पर। अच्छा कैच आउट 19 पर 3, मैं जो क्या कहना, जिस तरह से पावल विकेट पर दूसरा ओवर का खेल चल रहा है और 3 विकेट आयरिश समाज ने खो दिए हैं। स्कोर बोर्ड के ऊपर प्रशांत जी 19 रन लग चुके हैं, तो मेरे ख्याल से जो विकेट जरूर गिरी है कुछ अंतराल के बाद, लेकिन जो रन गति है वो एकदम मेरे ख्याल से बराबर के ऊपर चल रही है। अब जो आगे बल्लेबाज जो आएंगे वो कोशिश वही करेंगे कि गेंद के ऊपर जो कवर है वो थोड़ा सा साफ हो चुका है, तो गेंद तेजी से बाउंड्री के ऊपर पहुंचेगी। प्रयास से भी यही होगा कि जल्द से जल्द जो भी गेंद खराब मिलेगी उसके ऊपर गेंद को बाहर निकाला जाए और एक रणनीति अपनाएंगे, ढूंढते रहेंगे बल्लेबाज खराब गेंद को और जोरदार प्रहार करेंगे। प्रभु गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने के गेंदबाज तेजस, ये गेंदबाज ऐसे जो स्टंप के करीब से गेंदबाजी कर रहे हैं। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए बल्लेबाजी करने के लिए, जगदीश जग्गू, स्लीप है, पॉइंट है, कवर है, एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ, ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी तैनात, ऑन साइड पर डीप मिड विकेट पर एक खिलाड़ी, डीप स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी है, फाइटिंग पर कोई खिलाड़ी नहीं होगा क्योंकि डिक्लेयर क्षेत्र है। अब आगे कवर पर खिलाड़ी तैनात, आउट, जग्गू बैक टू द प्रबल जा रहे हैं। बड़ी सफलता मिलती भी, गेंद को कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे बल्लेबाज, देखिए क्या हुआ, एक्शन रिप्ले बहुत इंटरेस्टिंग है। मिरल ने लिया अच्छा कैच, मिरल का दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट कैच है, 19 रन 4 विकेट के नुकसान पर आई समाज के लिए समस्या बढ़ती भी। बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा गेंदबाज द्वारा, एक्शन रिप्ले देखिए क्या हुआ था मैदान के अंदर, जो खास करके मोबाइल पर यह टूर्नामेंट देख रहे हैं। स्टंप के करीब से गेंदबाजी, टिप्पा बिल्कुल आप देखते हैं स्टंप के अंदर, गेंद को खेलना चाहते थे इनसाइड आउट कवर के ऊपर से और मिरल बिल्कुल दायरे के अंदर मौजूद थे, बेहतरीन कैच लिया गया, शानदार कैच, 19 पर लॉस ऑफ 4 विकेट, पारी लड़कराती भी आयरिश समाज की। जगदीश जिन्होंने खाता नहीं खेला खोला, जगदीश आउट पर डक, जॉन्टी एक पर खेल रहे, अब पूरा दारोमदार रहेगा राकेश के ऊपर, राकेश किस अंदाज से बल्लेबाजी करेंगे और क्या इंटेंट होगा, क्या माइंडसेट होगा वो देखना बहुत जरूरी। नए बल्लेबाज नंबर 6 पर आए केतन, 6 ओवर का मैच, 63 रनों की जरूरत है। ऑफसाइड पर फील्डिंग की जमावट के, पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, उसके साथ एक खिलाड़ी भी मिड ऑफ पर है, ऑफसाइड पर बिल्कुल 5 खिलाड़ी, अच्छी गेंदी पर ड्राइव किया खिलाड़ी है दायरे के अंदर, रन बनाने का कोई अवसर नहीं है, तालियां बज रही है कन्वी समाज के खेमे में। शानदार गेंदबाज का प्रदर्शन यहां जीते है, खास करके तेजस द्वारा, कमाल का ओवर रहा। इस ओवर की बात करें फिलहाल अगर देखें तो इस ओवर में जो रन आए हैं, रन बिल्कुल आप देख सकते हैं इस वक्त 19 स्कोरबोर्ड पर लग चुका है 4 विकेट के नुकसान पर, लेकिन इस ओवर में 1 रन और बहुत बढ़िया तरीके, 1 ओवर में बिल्कुल इन्होंने 6 रन दिए हैं और 2 विकेट चटकाए हैं। ये कॉम्बॉस दिखाने की कोशिश हो रही है 10-10 स्पोर्ट के माध्यम से। मनीष जी मैं आपकी तरफ आऊंगा, 19-4 विकेट के नुकसान पर है इस ओवर में, 6 रन और 2 विकेट, क्या कमाल की गेंदबाजी की गेंदबाज तेजस ने। तेजस का इस ओवर के लिए जो मानना पड़ेगा कि उन्होंने थोड़ी सी टर्न अपनी तरफ किया की है इस गेम को, 60% के ऊपर मैं अभी चाहूंगा कि कणवी पटेल जो फील्डिंग कर रही है टीम उसके ऊपर से, और गेंदबाजी जो उन्होंने जो
पिछले पहले ओवर में 6 वाइड डाल चुके थे पहले दो ओवर में, लेकिन संतुलित किया है, लाइन और लेंथ को पकड़ा है और दो विकेट चटकाई और 6 ही रन सिर्फ दिए हैं। तो मैं चाहूंगा कि वापसी की है टीम ने और 60% के ऊपर उसका अधिकार जो है जमाया है, जबकि 40 के ऊपर है आहिर समाज। लेकिन जॉन्टी का रहना बहुत ही जरूरी है आहिर समाज के लिए। जॉन्टी एक इतने बेहतरीन ऑलराउंडर है, गवाह है इतिहास उसके बल्लेबाजी का, जिन्होंने बहुत ही मैच अपने बल्लेबाजी के जरिए अपने नाम किए हैं। प्रशांत जी बिल्कुल, जीत का ये इंपॉर्टेंट ओवर है और पहली गेंद पैरों की तरफ थी, लो बॉल टॉस कला के साथ मोड़ दिया था, मिड विकेट क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात है। जब तक कि गेंद को फील करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने एक रन मुकम्मल किया है। 63 रनों की जरूरत है। दूसरे ओवर का खेल आपने देखा, 6 रन आए थे। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर सिंगल और सारा दारोमदार राकेश के ऊपर। जॉन्टी अगर आखिर तक खेलते तो मजा आएगा। नए बल्लेबाज केतन मैदान के अंदर आए हैं। स्कोर की बात करें तो 20 रन 4 विकेट के नुकसान पर। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, लेग स्टंप के बाहर, कल्याण घोरपड़े हमारे तरफ बढ़ रहे, व्हाइट बॉल का इशारा कर रहे हैं। साउंड सिस्टम बहुत अच्छी है और मैं जिनका नाम लेना चाहूंगा, बहुत बढ़िया साउंड सिस्टम, सक्सेस डीजे। 21 4 विकेट के नुकसान पर 21 for 4। प्रभु गेंदबाज के तौर पर जीत गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑलराउंडर खिलाड़ी स्टैकरन पर केतन पटकी भी गेंद, गेंद को खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग की तरफ, गेंद बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं चढ़ी है, फाइन क्षेत्र की तरफ जाती हुई। जॉन्टी और खास करके केतन को एक साझेदारी बनाने की जरूरत है और इनके लिए मंत्र रहेगा, क्रिक क्रिक क्रिकेट, डोंट थ्रो विकेट, आपको विकेट नहीं खोने। अब जाकर रन संख्या 22 रन 4 विकेट के नुकसान पर 22 प्लस 4 विकेट, जैसे कि टारगेट ऑफ 63 रन। आई समाज के खेमे में अभी तो ज्यादा कुछ आवाज नहीं है, सन्नाटा है। ये गेंद लेग स्टंप के बाहर, ये परेशानी रही है जीत के लिए। पहले ओवर में 5 मिस्टर आए थे वाइट बॉल, अभी फिलहाल वही बात है, कंधों का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, सोच अच्छी है लेकिन दिशा पर कंट्रोल नहीं है। 23 रन 4 विकेट के नुकसान पर। जीत की बात करें तो इन्होंने अभी तक 8 गेंदें डाली है, 17 रन दिए हैं, 2 सफलता अर्जित की है। हरी समाज एक बहुत ही बेहतरीन टीम जरूर है, राकेश के ऊपर पूरा दारोमदार रहेगा। इस ओवर की बात करें तो जीत का ये ओवर थोड़ा लंबा जाएगा, गेंदबाजी करने के गेंदबाज तैयार। अच्छी गेंद थी, बैक पर खेलने के लिए मजबूर किया, तो डायरेक्टली करार करने की जरूरत नहीं है, यहां से दिमाग के बत्ती को जलाइए, संयम का बांध टूटेगा तो सामने वाले बिल्कुल, यहां से जो खिलाड़ी है अपनी टीम तैयार है, यहां से हौसला बुलंद हो जाएगा। तालियां बज रही है, ताली की आवाज अब बिल्कुल सुन रहे हैं यहां से। स्कोर बोर्ड की बात करें तो रन संख्या कुल मिलाकर 23 रन 3 विकेट के नुकसान पर। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर जीत गेंदबाजी करने के तैयार। गेंद को खेलना चाहते थे स्कोर लेग की तरफ, गेंद चली गई फाइनल क्षेत्र की तरफ, एक रन जरूर मिलेगा। केतन अपने पास स्ट्राइक रखेंगे। स्कोर की बात करें तो धीमे रफ्तार के साथ स्कोर बन रहा है और प्रशंसा करनी चाहिए जीत की, जबरदस्त गेंदबाजी। 24-4 विकेट के नुकसान पर। रिक्वायर्ड रेट 12.00 का है, करंट रेट 9 का है, वो थोड़ा सा नीचे चला गया है। शुरुआत अगर देखे तो बढ़िया की गई थी, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। इस ओवर की अगली गेंद जीत, ऑफ टर्न के बाहर गेंद थी, कट करना चाहते थे, थोड़ा शपल में इसका फायदा मिला, बिल्कुल इस पर गेंदबाज को फायदा हुआ, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं है, और शपल हुए तो वाइड देने का नहीं है, थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा आज खास करके गेंदबाज को, शपल हुए थे तो ऑफ टर्न के बाहर आए थे। स्कोर की बात करें तो 24-4 विकेट के नुकसान पर। प्रभु गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। जीत ऑल साइड पर पुल शॉट खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है, गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ। जीत के लिए बिल्कुल तालियां बजने वाली है, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन, लाजवाब प्रदर्शन। 24-4 विकेट के नुकसान पर। रिक्वायर्ड रेट बिल्कुल 13.33 का है, करंट रेट 8 का, वो थोड़ा नीचे चला गया है। आई समाज संघर्ष कर रहे हैं मैदान के अंदर। तो प्रशांत जी कुल मिलाकर जो इस ओवर की बात की जाए, जीत ने पहले ओवर में 5 वाइड गेंद की थी। प्रशांत जी पहले ओवर में जितने 5 गेंदें वाइड की थी, उसके बाद भी लगातार दूसरा ओवर अपने कोटे का जो कप्तान ने उसके ऊपर भरोसा जताया, बहुत ही काबिले तारीफ है, उसके ऊपर पूरा भरोसा है और उस कसौटी के ऊपर मेरे ख्याल से खड़े उतरे हैं। जीत आपकी इसमें क्या राय? बिल्कुल देखिए, असली हीरे की परख चोरी को होती है, वही काम कप्तान का है, सही जगह पर लगाएंगे तो बात बनेगी। तो उनको मालूम था जीत एक कॉन्फिडेंस वाले गेंदबाज है, पहले जो ओवर में रन आए वो मिस्टर एस्ट्रा से आए थे, रन बल्ले के साथ नहीं आए थे, तो इसीलिए दोबारा मौका दिया गया और बिल्कुल जो विश्वास जताया था उसके ऊपर खड़े उतरे आज जीत। 3 ओवर का खेल, 3 ओवर में रन संख्या कुल मिलाकर 24 4 विकेट के नुकसान पर।
चक्कर फिलहाल देखते हैं कितने गेंदों में कितने रनों की जरूरत है। आपके पास अभी भी 18 गेंद शेष है और 40 रनों की जरूरत है। पहले तीन ओवर में 24 चार विकेट के नुकसान पर, गेंदबाजी में कोई परिवर्तन नहीं है। तेजस लेग स्टंप के बाहर गेंद, सचिन सटम हमारे साथ बढ़ रहे हैं एक बार फिर देखे व्हाइट बॉल का इशारा करते हुए। रन संख्या फिलहाल 25, 25 फॉर 4 ओवर, जीतने के लिए 39 रनों की जरूरत है। आपके पास 18 गेंद शेष है, बल्लेबाज केतन और एक तरफ जाटी को आप देख रहे हैं। अच्छी गेंद थी ब्रॉक होल में, सुंदर गेंदबाजी का मुजाहिरा। इनके पास गति ज्यादा नहीं है तेजस की बात करें तो, लेकिन क्या कंट्रोल है, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। रन संख्या 26, राजपूत टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है। माया मुंशी समाज के खिलाफ खेलेंगे और यह अच्छी गेंद थी, हवा में थी, इस गेंद को बिल्कुल थोड़ा सा शरीर से दूर खेलते हुए खिलाड़ी बल्लेबाज संघर्ष कर रहे बीच मैदान पर। जीतने के लिए लक्ष्य की बात करें तो 63 रनों का है स्कोर, 27 रन चार विकेट के नुकसान पर। प्रेशर बन रहा है बल्लेबाजों के ऊपर, प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने के गेंदबाज थे जो स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज जॉन्टी। लोपुल टॉस गेंद थी आंसर पर गेंद में, मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात है। यह तालियों की आवाज देखिए, खंडवी समाज तालियां बजा रहा है, आयरी समाज के खेमे में सन्नाटा, कोई आवाज नहीं है। इसकी वजह की बल्लेबाज खामोश है, जब बल्ला बोलेगा तो वहां से भी आवाज आने वाली है। डिलीवरी ब्यूटीफुल लाइन, टिप ऑफ स्टंप के बाहर और घुटना टेक, तमाशा देख गेंद को स्लॉग स्वीप करना चाहते थे ऑन सर पर डिस्क्वेल की तरफ। गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहिरा गेंदबाज तेजस द्वारा, अभी तक 10 गेंदों में 9 रन दिए हैं। लोपुल टॉस ब्रॉक होल में खोद के निकाला ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन पर और जॉन्टी को यहां खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं है। वेल वेल वेल, क्या चल रहा है खेल, यहां बल्लेबाज फेल, गेंदबाज असरदार सरदार बने हैं। 28 चार विकेट के नुकसान पर है, 63 रनों का लक्ष्य एक बार फिर रखा है। कर्मी समाज ने आयरी समाज के सामने पहले मैच का आप देखिए यहां आंखों देखकर हाथ सुना रहे सुन रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग मैच। ऑफ्टम के बाहर गेंद थी, इस गेम को खेल दिया पॉइंट क्षेत्र में, पीछा करते हुए खिलाड़ी बहुत तेजी के साथ गेंद ट्रैवल हो रही है, कम से कम 2 या 3 देखते 2 रन मिलेंगे। रन तो आपको चाहिए, तालियां बस्ती में खास करके फील्डिंग बहुत ही बेहतरीन हो रही है पॉइंट पर, आप देख सकते हैं। यहां से अमित ने गेंद को रोक लिया था, रन संख्या कुल मिलाकर 30 रन चार विकेट के नुकसान पर, करंट रन रेट 7.50 का है, रिक्वायर्ड रेट की बात करें तो 17 का है। आपके पास गेंद शेष कुल मिलाकर आप देख सकते हैं 12 गेंदों का खेल और 34 रनों की जरूरत है। इंटरेस्टिंग मुकाबला है, डीजे मास्टर आइए गाना सुनाइए, डीजे मास्टर ने गाना सुनाइए, उसके बाद में मनीष जी की हम चर्चा करेंगे, चर्चा जारी रहेगी, गुप्तगु जारी रहेगा। प्रशांत जी, जहां तक अभी 34 रन चाहिए तो अक्सर ऐसे टूर्नामेंट में बल्लेबाज जो क्या सोचते हैं कि 12 गेंद है 5 छक्के की जरूरत है, ऐसी गेंद ढूंढ निकालो कि जो सीमा रेखा के बाहर होनी चाहिए, जबकि गेंदबाज को चाहिए कि वो 6 गेंदे यहां पर डॉट गेंद, इसी के ऊपर ये मैसला आगे बढ़ेगा। लेकिन थोड़े से अंडर प्रेशर, ज्यादा थोड़े भी नहीं, थोड़े से ज्यादा अंडर प्रेशर में चले गए हैं बल्लेबाज। जॉन्टी स्ट्राइक रन के ऊपर पहुंचे हैं, गेंदबाजी का क्रम संभाला है यहां पर मिरल ने, जहां तक मिरल का सवाल है, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है। इस ओवर के ऊपर मैच का फैसला होने की मेरे को थोड़ी सी उम्मीद आ रही है यहां पर, मेरे जब तो जहन में मेरे दिमाग में जो कैलकुलेशन जो हो रहा है, इस ओवर बहुत ही बड़ा साबित होगा दोनों ही टीम के लिए। प्रशांत जी बिल्कुल, यहां से पता चलेगा कि ऊंट किस करवट पर बैठने वाला है इस ओवर से। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज मिरल, बल्लेबाजों के लिए मिराकल की जरूरत है, मिरल गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज की बात करें तो जॉन्टी, जिनके ऊपर पूरा दारोमदार। लोपुल टॉस के डाउन साइड पर खेलते हुए डिम मिड विकेट पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है, एक ही रन मिलेगा। देखिए यहां से सिंगल आएगा तो कोई परेशानी नहीं है, बिंदी गेंद तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, सिंगल डबल से परेशानी नहीं होगी, लेकिन जब चौके छक्के आएंगे तो परेशान हो सकते हैं कन्वी समाज। केतन के ऊपर अब पूरी जिम्मेदारी है, प्रमुख गेंदबाज के तौर पर मिरल ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक, डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी है, लेकिन वो बन गया दर्शक और दर्शक बन गए फील्डर और यह लगा शानदार सिक्सर। लेन गेंद पर प्रहार किया गया, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक था, मच नीडेड सिक्स फॉर द बैटिंग साइड। पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी गेंद पर सिक्सर, मैच में बिल्कुल मजा आएगा। यह अच्छा स्ट्रोक था, पुल किया था डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। यह अच्छी गेंद है, टप ऑफ स्टंप के बाहर ऑन साइड पर खेलने का प्रयास, उछाल है, गति है गेंदबाज मिरल के पास।
पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी गेंद पर सिक्सर, तीसरी गेंद पर बिंदी है और अब जब रन संख्या 37 + 4 विकेट 37 रन 4 विकेट के नुकसान पर आयुष समाज प्रमुख गेंदबाज के तौर पर मिरल तैयार। ऑन साइड पर जरूर खेला गया लेकिन फाइन एक क्षेत्र पर गेंद जा रही है, एक रन मिलेगा तो शरीर का संतुलन बहुत अच्छा रखना बहुत जरूरी है क्योंकि जिस तरह से आप खेल रहे हैं फाइन लेग और थर्ड मैन का क्षेत्र जो है निकट क्षेत्र है। स्कोर की बात करें तो स्कोर 38 रन 4 विकेट के नुकसान पर। समीकरण एक बार फिर आपको बताएंगे, जिस तरह से अब जीतने के लिए 63 रनों की जरूरत है, आपके पास 8 गेंदें 26 चाहिए, मतलब अभी भी फासला बना हुआ है। कनबी समाज आरी समाज के बीच संघर्षपूर्ण मुकाबला आप देख रहे हैं। स्ट्राइक रन पर जॉन्टी टॉस के डाउन साइड पर खेलते हैं, मिड विकेट पर खिलाड़ी तैयार आउट। कनबी समाज के खेमे में हर्षोल्लास का माहौल है, आरी समाज के खेमे में सन्नाटा, कोई आवाज नहीं है। पुल टॉस गेंद पर बल्लेबाज आउट हुए हैं, बड़ी सफलता या मिरल को मिलती भी और जॉन्टी जो बहुत डेंजरस बल्लेबाज बैक टू द पेवन चले गए, कहीं पर भी खेल सकते थे लेकिन मिड विकेट का खिलाड़ी है उनके गोदी में गेंद, देखिए इस गेंद को कहीं पर भी खेल सकते थे, फुल टॉस गेंद थी, पाले में थी लेकिन मिड विकेट का खिलाड़ी है उनके गोदी में गेंद यहां छुपती भी। 38 + 5 विकेट के नुकसान पर आपके पास 7 गेंद है, 7 गेंदों में जीतने के लिए अगर देखिए तो चाहिए और 26, प्रेशर बन रहा है, दबाव बनता आयुष समाज के ऊपर। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए हैं चिराग नंबर 7 पर, 5 बल्लेबाज डगआउट में आराम फरमाते हुए, कितने अच्छा स्ट्रोक खेला था, लॉस्ट एक्रेन पर है बाहुबली खिलाड़ी चिराग ऑन स्ट्राइक। रजपूत समाज ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है, फील्डिंग के जमावट पॉइंट 2 पॉइंट कबर स्ट्रे कबर लॉन्ग ऑफ ऑन सर पर आप देख सकते हैं लॉन्ग ऑन है, मिड विकेट है, डिस्कवर पर खिलाड़ी, एक खिलाड़ी दायरी के अंदर, दर्शकों से कच्चा कट वाला स्टेडियम, गेंदबाजी करने के गेंदबाज तैयार। उल्टॉस गेंद हवा में खेलते हैं, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी गेंद के नीचे और लिया कैच आउट, जीत ने अच्छा कैच लिया, लगातार 2 झटके दिए मिनल ने, मिनल ने बहुत बढ़िया हुआ, एक बार फिर गेंदबाजी इस ओवर में और उल्टॉस गेंद पर विकेट डाले वो सबसे बड़ी समस्या। देखिए एक्शन रिप्ले क्या हुआ था मैदान के अंदर, स्टंप के करीब से गेंदबाजी, पुल टॉस गेंद थी, यहां भी बल्लेबाज जो है वो कहीं पर भी खेल सकते थे, चिराग लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी बाउंड्री में मौजूद है, जीत ने लिया अच्छा कैच और विकेट नंबर 6। आयरी समाज के उम्मीदों का लगता है ये छठवां झटका, ब्यूटीफुल बॉलिंग आसान से जो आप जो एक्शन रिप्ले दिखा रहे उसमें 2 गेंद ऐसी थी जो दोनों गेंद के ऊपर जो बल्लेबाज आउट हुए आपने फरमाया भी कि कहीं पर भी मार सकते, तो मेरे ख्याल से 2 गेंद के ऊपर मैच जो है पिछड़ चुका है आहिरी समाज के हाथों से, लेकिन आगे भी कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जो 2 गेंद के ऊपर जो बल्लेबाज आए और ऐसे बल्लेबाज थे जॉन्टी और जगदीश के, दोनों गेंद के ऊपर छक्के मार सकते थे और मैच का रुख पलट कर सकते थे, ऐसा आपकी जो रिप्ले है उसके ऊपर से देख के मेरे को ये लग रहा है। बिल्कुल देखिए फुल टॉस गेंद इसका मतलब है पनिश करना था आपको, बड़े स्ट्रोक में तकदील करना था, आपने बड़े स्ट्रोक में तकदील नहीं किया, आपने बड़े स्ट्रोक में तकदील नहीं किया और उसके बाद आपका विकेट भी गिर गया, 2 विकेट मिले विपक्षी टीम को, अपोनेंट टीम को। 6 गेंदों में 26 कनबी समाज और आई समाज के बीच आज के दिन का यह पहला मुकाबला, गेंदबाजी में आप आए हैं भावेश ऑलराउंडर खिलाड़ी, स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज की बात करें तो केतन छोटी गेंद थी, बैकवर्ड चले गए, डिस्क स्क्वायर की तरफ बाउंड्री रन की तरफ गेंद को खेल दिया था। देखिए हर किसी बल्लेबाज ने क्रीज के गहराई का इस्तेमाल करने की कोशिश की है, किसी भी बल्लेबाज ने आगे आकर खेलने का प्रयास नहीं किया है, हर बार बैकवर्ड पर खेलने का प्रयास किया गया। 5 गेंदें और 25 प्रभु गेंदबाज के तौर पर भावेश, स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज की बात करें तो अश्विन ये भी ऑलराउंडर खिलाड़ी है, अपने बाहर खेलती खूबसूरती के साथ कवर पॉइंट क्षेत्र में गेंद को खेलते हुए खिलाड़ी तैनात है, सिंगल से कोई परेशानी नहीं होगी, यहां से आपको वो बड़े स्ट्रोक खेलना बहुत जरूरी है क्योंकि 4 गेंदें 24 अगर ये बड़ा स्ट्रोक यहां से खेलते हैं तो बाद में एक बार अच्छा स्ट्रोक टॉस साइड पर खेलते हुए क्या पे गेंद गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए जा रही थी, सुंदर फील्डिंग बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, गेंद बाउंड्री की तरफ ट्रेवल हो रही थी, छलांग लगा के गेंद को रोक लिया, बढ़िया तरीके से अच्छी फील्डिंग करते हुए खिलाड़ी रहा लॉन्ग ऑन पर। गौरव ने गेंद को रोक लिया था, इससे और परेशानियां बनने वाली है आयरी समाज की। देखिए फुल टॉस गेंदे, कितनी फुल टॉस गेंदे आई है, 3 तो बिल्कुल पाले में गेंदे थी, 4-5 ऐसी गेंदे गेंदे थी बिल्कुल वो लोग फुल टॉस थी, लेकिन फुल टॉस गेंद पर आपने बड़े स्ट्रोक नहीं खेले वो सबसे बड़ी परेशानी वाली बात आयरी समाज के लिए रही है। कुनबी समाज ने शिकंजा कस लिया है, फिलहाल आप देख सकते 44 6 विकेट के नुकसान पर 2 गेंदों का खेल शेष है, 63 का लक्ष्य।
कदमों को, ये आपको पहले करना था, ये कदम ताल देखिए बहुत खूबसूरत स्ट्रोक था, टाइमिंग बढ़िया, गेंद जाएगी बॉर्डर के बाहर, शानदार स्ट्रोक सिक्सर, ये आपको पहले करना था मनीष सर, आपने पहले नहीं किया, हर बार बैकफुट पर खेलने की कोशिश, इसलिए मुझे लगा कि आयरिश समाज बैकफुट पर रहा है। एक गेंद शेष है और दोपहर का खाना पक रहा है मनीष जी, मुझे वो खाने की सुगंध आ रही है और बीच मैदान पर कर्मी समाज को जीत की सुगंध आ रही है, जीत का स्वाद चखने का मौका मिलेगा, जीत की दहलीज पर कर्मी समाज है, 50 रन बन चुके हैं, जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत है, एक गेंद का खेल शेष, ये बेहतर स्ट्रोक है बल्ले के बीचों में, टाइमिंग बढ़िया, गेंद जाएगी बॉल की तरफ और बढ़िया फील्डिंग गौरव द्वारा, इसी के साथ ये मुकाबला कर्मी समाज ने अपने नाम पर कर दिया है। वो गाना गा रहे हैं ले जाएंगे ले जाएंगे, अंतर समाज टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट की खूबसूरत ट्रॉफी हम लेके जाएंगे, पहले मैच में लाजवाब प्रदर्शन कर्मी समाज का। बिल्कुल सही बात, सभी कप्तानों का यही मनसूबा रहेगा कि ले जाएंगे खूबसूरत ट्रॉफी हम ले जाएंगे। और जो आपने जो खाने की प्रशांत जी जो आपने बात की है, तो यहाँ पर देसी खाना देसी तड़का जो है प्रशांत जी हमारे गांव में बहुत ही खूबसूरती से पकाया जाता है इसको, और आप आज यहाँ पर इसका स्वाद चखेंगे, बेहतरीन आपको मजा आएगा, जो देसी तरीके से बनाया गया है। लेकिन जो आहिर समाज जो यहाँ पर हारा है, तो मैंने जो पूरा जो खेल देखा इसमें मेरे को ये लग रहा है कि उन्होंने आपने बताया तो उन्होंने जो फुटओवर का इस्तेमाल अपने विकेट बचाने में किया, हालांकि सिक्सर और चौके नहीं लगाए उन्होंने, उनको मौका मिला, तीन चार पांच गेंद ऐसी फुलटोस मिली जिसको वो लोग छक्के में तब्दील नहीं कर